हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी चैप्टर में आगे बढ़ते हुए अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन पढ़ने जा रहे हैं। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हम दो फंक्शन को सपोज करके चलेंगे, उसमें क्या क्या होता है आइए देखते हैं। यहाँ पे होता है सपोज एफ एन जी बी टू रियल फंक्शन जो कि हमारा क्या है, कंटिन्यूस है, और ये रियल नंबर पे कहाँ पे है, एट सी पे। ठीक है, तो इसका मतलब अगर हमारा एफ और सी दोनों कंटिन्यूस जब होते हैं, तो अगर सी पे कंटिन्यूस होते हैं तो इसका प्लस भी होता है, एफ प्लस जी जो होता है वो भी क्या होता है, इस कंटिन्यूस एट सी। ठीक है, नंबर वन, अगर दो फंक्शन हमारा कंटिन्यूस दिया हुआ है तो वहाँ पे एफ प्लस जी क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। नंबर टू ये होता है एफ माइनस जी इज ऑल्सो कंटिन्यूस एट सी। ठीक है, ये प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, अगर दो फंक्शन हमारा क्या दिया हो, कंटिन्यूस फंक्शन दिया हो तो। नंबर थ्री होता है एफ इंटू जी इज ऑल्सो कंटिन्यूस एट सी। ठीक है, और नंबर फोर जो होता है एफ डिवाइडेड बाई जी इज ऑल्सो कंटिन्यूस, बट इसमें एक वो होता है, क्या बोलते हैं, एक कंडीशन होता है जहाँ जी सी जो होता है वो इक्वल नॉट इक्वल टू जीरो होता है। अगर जी सी हमारा जीरो हो जाएगा तो फंक्शन नॉट डिफाइन होगा, इसलिए जब जी सी होता है वो जो होता है वो नॉट इक्वल टू जीरो होगा, तब हमारा एफ बाई जी भी क्या होगा, कंटिन्यूस फंक्शन होगा। आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे, ये क्वेश्चन दिया है सो दैट एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूस, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। हमें पता होता है अगर ये सॉल्व जब कर लेंगे तो हमें याद रखना होगा कि एवरी फंक्शन इज अ कंटिन्यूस फंक्शन। इसमें होता है, इसमें हम पहले एक फंक्शन डिफाइन करेंगे जहाँ पे हमारा पी एक्स क्या है, यहाँ पे देखिए पी एक्स जो होगा फर्स्ट में होगा ए ज़ीरो, उसके बाद प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस, ये कंटिन्यू जाते जाएगा कहाँ तक, ए एन एक्स टू द पावर एन, जहाँ पे ए एन जो होगा हमारा नॉट इक्वल टू जीरो होगा। ठीक है, और ये सब जो है ए वन जीरो वन टू थ्री डॉट 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 ए एन तक, सपोज हम लोगों ने ए आई मान लिया, जहाँ वो जो आई जो है वो आई का वैल्यू कहाँ से, जीरो टू एन है, ए आई कहाँ पे बिलोंग करेगा, हमारा रियल नंबर में। ठीक है, पी एक्स इज, ऐसे हमने पॉलिनोमियल फंक्शन को ऐसे डिफाइन किया, और जो ये डिफाइन है और ये रियल नंबर में है। यहाँ पे हम एक फिक्स वैल्यू मान लेते हैं, लेट सी बी फिक्स रियल नंबर। ठीक है, तो हमने एक सी जो है वो रियल नंबर में एक फिक्स वैल्यू मान लिया। अगर हमारा फंक्शन सी पे कंटिन्यूस आ जाता है तो इसका मतलब वो रियल नंबर में भी आ जाता है, क्योंकि ये सी जो है एक वैल्यू है रियल नंबर का। ठीक है, तो फर्स्ट हम एट सी पे निकालेंगे, ऐसे निकालते हैं लिमिट, लास्ट वीडियो में हमने देखा था लिमिट कैसे निकालते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकालते हैं, राइट हैंड लिमिट कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पे हम लिमिट एक्स टेंस टू सी पे निकाल रहे हैं, और यहाँ पे होगा हमारा पी एक्स। ठीक है, जब हम एक्स टेंस टू सी है मीन्स एक्स सी के बराबर नहीं है, लेकिन सी हम इस चैप्टर में यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे क्या आंसर आएगा, पी एक्स जो है वो वहाँ यहाँ पे क्या हो जाएगा यहाँ पे पी सी। ठीक है, तो हमारा लिमिटिंग वैल्यू कितना आया, लिमिटिंग वैल्यू हमारा आया पी सी। अब हम इसका लिमिटिंग वैल्यू हमारा आया पी सी, ठीक है, अब इसका हम फंक्शनल वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो हमारा पी सी कैसे निकालेंगे, ये देखिए फंक्शनल वैल्यू, यहाँ पे सबके जगह पे पी एक्स के जगह पे सी डालेंगे। ठीक है, ए जीरो का जीरो होगा क्योंकि इसमें कोई एक्स ही नहीं है, ए वन में क्या होगा, ए वन सी होगा प्लस ए टू सी स्क्वायर होगा डॉट 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 ए एन सी का पावर एन होगा यहाँ पे। ठीक है, अब हम कैसे लिखेंगे, लिमिट एक्स टेंड्स टू सी पी ऑफ एक्स। ठीक है, और हम लिमिट निकालते समय कैसे लिखते हैं, एक्स
और ये हमारा जो पी एक्स का वैल्यू है पी सी से एक्सचेंज करेगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, ए ज़ीरो प्लस ए वन सी प्लस ए टू सी स्क्वायर डॉट 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 ए एन सी टू द पावर एन आएगा। यहाँ तक क्लियर है? उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, अलग अलग करेंगे, ठीक है। यहाँ पे अब हम इसमें लगाएंगे लिमिट एक्स टेंस टू सी, ए ज़ीरो में एक्स है ही नहीं तो इसको हम बाहर डायरेक्टली बाहर निकाल सकते हैं, ए ज़ीरो यहाँ पे प्लस लगा दीजिए, ये जो इक्वल टू है यहाँ पे, ए ज़ीरो में सी नहीं है तो यहाँ पे हम लिमिट नहीं लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, लिमिट एक्स टेंस टू ए वन सी प्लस लिमिट एक्स टेंस टू सी ए टू सी स्क्वायर डॉट 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 लिमिट एक्स टेंस टू ए एन सॉरी यहाँ पे सी होगा, लिमिट एक्स टेंस टू सी ए एन सी एन, ठीक है। तो यहाँ से क्या आएगा, ए ज़ीरो प्लस यहाँ पे लिमिट जाएगा जाएगा ना, हाँ, तो यहाँ पे क्या आएगा ए वन सी, यहाँ पे जाएगा तो क्या आएगा ए टू सी स्क्वायर डॉट 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 ए एन सी एन आएगा, जो हमारा किसके इक्वल है, यहाँ पे देखिए तो ए ज़ीरो ए वन सी इसके इक्वल है, पी सी के इक्वल है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इक्वल टू पी सी, ठीक है। यहाँ पे हमारा क्या आया, लिमिटिंग, यहाँ पे हमारा क्या आएगा, पी सी के इक्वल हो जाएगा ये, ठीक है। यहाँ पे क्या आया हमारा, लिमिटिंग वैल्यू इक्वल्स टू फंक्शनल वैल्यू, यहाँ तक ठीक है। लिमिटिंग वैल्यू जब हमारा फंक्शनल वैल्यू के इक्वल आ जाता है तो हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, दिस इम्प्लाइज, यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि हमारा जो है वो पी एक्स जो है, पी एस विल बी विल कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल्स टू सी, ठीक है। पी एक्स जो है, पी एक्स जो हमारा क्या है, वो पॉलिनोमियल नंबर है, पॉलिनोमियल फंक्शन है, पॉलिनोमियल फंक्शन हमारा सी पे हमेशा कंटिन्यूस होता है, ये बात आज से आप लोग याद रख लीजिए कि हमारा पॉलिनोमियल फंक्शन हमेशा कंटिन्यूस ही होता है। अगर कोई पीछे क्वेश्चन भी दिया होगा, मतलब एक्सरसाइज में फर्दर प्रोसीड करते समय क्वेश्चन मिला पॉलिनोमियल से रिलेटेड, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, सिंस वी नो पॉलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूस देयरफॉर दिस फंक्शन इज कंटिन्यूस, ठीक है। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई हो, अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।